यार ये वीडियो तो बन गई, नेक्स्ट क्या बनाऊं? हेलो। हेलो विशाल से बात हो रहा है। जी मैं राम बोल रहा हूँ। जी बोलिए। कैसी मुझे एक पोर्ट्रेट बनवाना था। पोर्ट्रेट? एक्चुअली सिंगल है, मेरे बाबा का है, ओके ओहो उनका 100th birthday है। हम लोग उनको एक सरप्राइज देना चाहते हैं। फोटो अच्छा, काफी डैमेज है और पासपोर्ट साइज फोटो है मेरे पास, उसी से बनाना है, तो उससे बन जाएगा क्या? बन जाएगी। आप मुझे एक बार मेल कर दीजिए, आपका व्हाट्सएप नंबर यही होगा ना? देख सकते हो आप लोग क्या हालत है इसकी। बाय गॉड, देखो सच में बताऊं, मैं बहुत सालों के बाद मेरे पास कुछ ऐसा चैलेंज आया है। सो द मेन प्रॉब्लम इज, पुराने टाइम में सामने से फ्लैश मारते थे और जिसकी वजह से पूरी डिटेल्स उड़ जाती थी। आप इस फोटो में देख सकते हो, आपको डेप्थ दिख रही होगी बट यहाँ पे डेप्थ नहीं है बिल्कुल भी। और सबसे बड़ी चैलेंज यही है, मुझे सारी चीजें चेंज भी करनी है, मुझे एग्जैक्टली वैसे ही बनानी है जैसे वो थे, लाइक जैसा उनका स्किन टेक्सचर था। आपको पता है शेडो और लाइट से पूरा शेप डिफाइन होता है 3D में। इस 50s की फोटो को उठा के मुझे 20s की फोटो में कन्वर्ट करना है, बहुत बड़ा काम है यार। मुझे सच में कोई आइडिया नहीं है मैं कर पाऊंगा या नहीं। इस फोटो को पहले मैं छोटे में एक रफ स्केच बनाऊंगा, एक तरफ से लाइट डालूंगा, शेडिंग करूंगा। मैं शेडिंग को अपने दिमाग में प्रोसेस करूंगा पहले। अगर मैं शेडेड वाला पोर्ट्रेट देखूंगा और इनका पोर्ट्रेट देखूंगा, मुझे लगेगा कि हाँ सेम पर्सन का फोटो है बट लाइट चेंज है, शेडो पड़ रही है। देन इट्स वेल टू बी गुड टू शिफ्ट ऑन A3 साइज। अब इस फोटो से यहां तक तो पहुंच गए। अरे अरे, ये तो बताना ही भूल गया कि मैं इस फोटो से इस फोटो तक कैसे पहुंचा। अरे ला इतने सारे। ओ भाई, ब्लर फोटो को HD बना दे रही है। लेकिन एक मिनट, ये तुम लोगों ने देखा, दांत के अंदर दांत, मतलब मुंह के अंदर दांत और आंखें कुछ टेढ़ी मेढ़ी से कर दी। बाल में भी इसने रैंडम स्ट्रोक्स मार दिए कुछ भी। मतलब ये फोटो को मैनिपुलेट करता है अपने AI के अकॉर्डिंग, जो कि बहुत ही खतरनाक है। मैं ऐसे पेड कमीशन आर्टवर्क के लिए ऐसा रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकता। तो देखो यार, वैसे तो सारे दोस्त नकारा और नालायक होते हैं, लेकिन कभी कभी कोई कोई काम आ जाते हैं। इसी तरीके से इस कठिन परिस्थितियों में मेरे भी काम आया है। उसके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। बहुत ही अच्छा गेमिंग रिलेटेड कंटेंट बनाता है, अगर आप गेमिंग में हो आई एम श्योर यू विल लाइक हिज चैनल। और इसी मतलब के लिए उसने बाबा के कान वापिस ला के दिए मुझे फोटोशॉप के थ्रू। लेकिन अब इस फोटो से यहां तक पहुंचना है भाई। मैंने एक तरफ का शेड कर लिया है और मेन यही पार्ट है जो शेडो में है, वो शेड करना ज्यादा जरूरी है। जो ब्राइट साइड में है वो तो मैं ऐसे भी बना दूंगा तो भी वो अच्छा लगेगा, क्योंकि उसपे तो लाइट ऑलरेडी गिर रही है। यहाँ पे आप देखो, फोटो में ये शेडो है ही नहीं, वो मुझे लगता है काफी सुंदर लगेगा। इनकी आंखों का शेप भी बहुत अच्छा है, बाहर की तरफ निकली हुई आंखें हैं। तो रात के 2:30 बज रहे हैं, ऐसे भूख लग गई थी मुझे। इनके पोते ये हैं, इन्होंने ऑर्डर प्लेस किया है। स्किन से मैं टेक्सचर लेने वाला हूँ, इनके फीचर्स को भी मैं यूज करूंगा। जितने भी पोर्ट्रेट वर्क आते हैं, सामने फोटोज होती हैं, उनमें से कुछ कुछ फीचर्स को एग्जेगरेट करना होता है, मैं कर देता हूँ। थोड़ा सा खूबसूरत बनाना होता है, बना देता हूँ। बट ये जो मतलब 180 डिग्री का चेंज है ना, मतलब 50s की फोटो को पूरा 20s की फोटो में कन्वर्ट करना, वो भी अच्छी फोटोग्राफी के साथ, ये जो जोड़ता है एक आर्टिस्ट और एक फोटोग्राफर को। एक फोटोग्राफर एक अच्छा आर्टिस्ट हो सकता है और एक अच्छा आर्टिस्ट एक अच्छा फोटोग्राफर भी हो सकता है। तो इतनी शेडिंग कल रात में मैंने ड्रॉ कर ली थी और आप देख सकते हो कितना ज्यादा डिफरेंस है। अभी मैंने A3 पे इसे ड्रॉ कर लिया है और आज है day 2। तो यार, 3 references यूज करके ड्रॉ करने वाला हूँ, मजा बहुत आने वाला है। Thank you.
आज है Day 3। इतना टाइम मुझे इसीलिए लग रहा है क्योंकि मैं इस स्किन टेक्सचर को यहाँ से रेफरेंस ले रहा हूँ। इस फोटो को मैंने सिर्फ दिमाग में ऐसे प्रोसेस करने के लिए रख लिया है, इससे मैं बिल्कुल भी नहीं बना रहा हूँ। ये जो ब्लर फोटो है मैं इससे ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो मैंने रेफरेंस बनाया था शेडिंग का थोड़ा बहुत आइडिया ले रहा हूँ, फिर इसमें भी इम्प्रोवाइजेशन कर रहा हूँ। चारों रेफरेंसेस का मिक्सचर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये काम एप्लीकेशन के बस की बात नहीं है, इट्स एन आर्टिस्ट थिंग। तो पार्सल अभी तक उनके घर पे पहुंच चुका होगा और मैंने उनसे बोला है एक छोटा सा वीडियो शूट करेंगे बाबा का। और इस बार मैं सच में बहुत नर्वस हूँ इस कमीशन आर्टवर्क को लेके। फिंगर क्रॉस उन्हें सारी चीज़ें पसंद आए। रात भर बैठ के एडिटिंग कर रहा था यार, तो थोड़ा फेस जैसा भी दिख रहा हो थोड़ा सह लेना। आपको बधाई है, अब आपका मन।